हनुमान फिल्म को लेकर हिंदुस्तानी भाव का जबरदस्त रिएक्शन सामने आया है। फिल्म हनुमान को हिंदी में ऑडियंस का काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। वही हिंदुस्तानी भाव इस फिल्म को सरकार से टैक्स फ्री करने की मांग करते हैं और इस फिल्म की दिल खोलकर तारीफ करते हैं। हनुमान फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और फिल्म हिंदी में काफी ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है। 15 करोड़ के बजट में भी इस फिल्म में दमदार विजुअल देखने को मिले हैं और फिल्म 20 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। तो दोस्तों, हनुमान फिल्म से एक बात साबित होती है कि अब हमें अपने देश के सुपर हीरो को सपोर्ट करना चाहिए। आप स्पाइडर मैन, चमगादड़ मैन इनको भूल जाओ, क्योंकि अब हनुमान जी की पावर के साथ अपना देशी सुपर हीरो आ चुका है। दोस्तों, फिल्म के फर्स्ट हाफ की बात करें तो हीरो और विलेन की क्या पावर है, ये पूरा अच्छी तरह से दिखाया गया है और इंडियन कल्चर को इस फिल्म से जोड़ा गया है, जो आपको फिल्म में बोर नहीं होने देगा। इंटरवल तक अपने हीरो के पास सुपर पावर आ चुकी होती है और फिल्म काफी रफ्तार पकड़ती है और फिर आता है एक दमदार क्लाइमैक्स, जिसे देख कर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये फिल्म आप देखकर आओ बिल्कुल पैसा वसूल है और फिल्म के डायरेक्टर को अवार्ड मिलना चाहिए। क्या फिल्म बनाई है, लगभग 2 घंटे और 30 मिनट की फिल्म है, लेकिन पता नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी फिल्म खत्म हो गई। इस फिल्म कंटेंट ही इसकी पावर है और ये फिल्म देखकर शायद हमारे इंडियन डायरेक्टर को समझ आए कि सुपर हीरो फिल्म अगर अच्छी तरह से बनाई जाए तो रिकॉर्ड तोड़ ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगी। फिलहाल इस फिल्म को ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करोगे तभी हमें सुपर हीरो वाली फिल्में इंडिया में देखने को मिलेगी, वरना आप देखते रहो हॉलीवुड वालों के मकड़ी मैन, चमगादड़ मैन, फिर इंतजार करोगे कब आएगी क्रिश 4, कब आएगी रावण 2, क्योंकि हमारे छपरी ऑडियंस को तो हॉलीवुड ही देखना है, फिर इंडियन सिनेमा कैसे आगे जाएगा। फिलहाल अगर हनुमान फिल्म का एक लाइन में रिव्यू करें तो ये एक टोटल मास्टरपीस, दमदार एक्शन और इमोशन वाली फिल्म है, जिसे आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। वही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फिल्मों की अपडेट मिलती रहेगी।